पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालात बिगड़ने लगे हैं। राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर ने गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कई लोगों को मजबूरी में ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ा है। बहुत दिक्कत हो रही है। कैसे आप लोग जीवन जी रहे हैं यहाँ पे? अरे अब कैसे बता जाए, साथ नहीं अभी चल रही है। आप कैसे आते जाते हैं आप लोग? हम लोग अब दो दिन में नैया से आ जाएंगे। और जो बच्चे हैं स्कूल कैसे जाते हैं? नहीं जा पा रहे हैं सर। हम लोग को बहुत दिक्कत है, देखिए घर छोड़ कर आके यहाँ रह रहे हैं ऊंचे वाले स्थान पे। हाँ ऊंचे वाले स्थान पर। बाकी बच्चे जो हैं स्कूल कैसे जा रहे हैं? हम बच्चे आते हैं नाव से आते हैं और फिर जाते हैं, फिर यहाँ हम लोग यहाँ रहते हैं, कुछ बच्चे भी यहाँ रहते हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। अभी तो कोई सरकारी का कोई काम धाम नहीं हुआ है, नाव भी कोई नहीं आया है। डर भी लग रहा है? क्यों, हाँ डर लग रहा है। कल SDM आई थी देखो कि गई बाढ़ का, तो क्या बोली है मैडम? अभी नहीं बोली थी, उधर गई थी पीछे तरफ मंदिर के साइड में, नदी साइड में। वो अभी देख रहे हैं पानी सड़क पे आ गया, इतना दिक्कत हो रहा है, हल्के आना पड़ रहा है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं स्कूल नहीं, उसको कहाँ जा पाएंगे? दिक्कत तो हो रहा है, अभी तो अभी चौराहे अभी सड़क तो उघाड़ है, आ जा रहे हैं सब, और बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है पानी, बढ़ रहा है। हाँ अभी बढ़ रहा है। कितनी समस्याएं हो रही हैं आप लोग को आने जाने में? आने जाने में अभी तो थोड़ा कम हो रही, जब पूरा भर जाएगा रोड एकदम जाम तो आने जाने में दिक्कत होगा, नाव की जरूरत लेनी पड़ेगी। देख रहे हैं नाव भी चल रहा है पीछे? हाँ हाँ चल रहा, कुछ आने जाने की नई सुविधा है उधर तो चल रहा है। हर साल बाढ़ आता है? नहीं नहीं हर साल नहीं, दो साल तीन साल पे आता है। प्रशासन के मुताबिक निचले इलाकों पर नजर रखी जा रही है, इसके साथ साथ गांव वालों की सुरक्षा के लिए भी सभी उपाय किए जा रहे हैं। सभी लोग फील्ड में रहें और रह करके जो भी बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति हैं या जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है उनको सुरक्षित जगहों पर विस्थापित करें, राहत शिविर में विस्थापित करें और उन्हें वहां पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। रहा सवाल जो बहरामपुर में अभी जो पानी है, वो पानी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। राप्ती का जो आज डेंजर लेवल है वो 74.88 है, जो कि 0.10 मीटर ही केवल डेंजर लेवल से नीचे है, लेकिन जो पीछे से पानी आ रहा है तो ये अनुमान है कि अगले एक दो दिनों में पानी बढ़ेगा, फिर उसके बाद पानी घटने लगेगा। आने वाले दिनों में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोगों ने प्रशासन से जरूरत की चीजें देने और मुश्किल वक्त में मदद पहुंचाने की अपील की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।